गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल एंड वेलकम बैक टू रेसल कंगडम। तो गाइस स्टूडियो में आज बात करने वाले हैं आज रो के एपिसोड के बारे में। जो गाइस हेलिस साल से पहले WWE के रो का गो होम एडिशन शो था और इसके साथ सीजन प्रीमियर शो था, तो भाई अच्छा खासा शो तो हमें उस एब्सोल्युटली ग्लोरियस शो तो हमें देखने को मिलने वाला था। गाइस इस शो में हमें हेलिस साल का ट्रेलर देखने को मिला, इसके साथ भाई रोमन चैंपियनशिप के मैच था जिस टेलीक्शन में थे बहुत, मतलब फीड और रेट्रीब्यूशन के साथ क्या ये दही सी पकड़ रही यार, ये कुछ मतलब बहुत काफी अच्छा शो था। तो मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, लाइक को चैनल कर दो, सब्सक्राइब साथ नोटिफिकेशन बेल को कर दो क्योंकि आपको यहाँ डेली रेसलिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है। तो गाइस बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस शो की स्टार्टिंग हमारी द फिंड एंड एलेक्सा और भाई रेट्रीब्यूशन से होती है। तो गाइस ये रेट्रीब्यूशन द फिंड पर अटैक करने वाली थी, तो भाई फिर से क्या होता है कि रेट्रीब्यूशन भाई जब अटैक कर रही होती है जब फिंड वहाँ से गायब हो जाती है, तो उसके बाद जब रेट्रीब्यूशन आते हैं रेट्रीब्यूशन और फोर एट मैन टैग टीम मैच होता है जो कि रेट्रीब्यूशन वैसे रेट्रीब्यूशन के काफ़ी टाइम तक मतलब मैच चला और रो का बहुत अच्छा टाइम मैच ने मैच तो काफ़ी मुझे डिसेंट से ही लगा। तो गाइस अगर मैं आपको बुकिंग की बात बताऊं तो भाई इसमें क्या होता है कि जो हमारे यूनाइटेड स्टेट चैंपियन वो बिलेसली वो आसानी से जो रोड स्टोन जो टीम आ रहे हैं उनको अपने जो फिनिशर लगा देते हैं और फुल एंसर इस मैच में जीत जाते हैं। तो गाइस ये मुझे नहीं पता WWE रेट्रीब्यूशन से करना क्या चाहते जब उनको लाया गया था, जब तो आर्यूरी लेकर बहुत तगड़ा बिल्ड किया था उनके भाई जो पहले मैच में उनके जो सर्विस जोड़ने में चाहिए था वो रो में करवा दिया गया मैच। मतलब बुकिंग कैसी बुकिंग कर रहे हैं मैच चलता रहता है, फैंस का इंटरेस्टिंग चल जाएगा इस मैच में। तो गाइस मैं इसके बाद की बुकिंग बताऊँ तो इसके बाद में द फिंड आते और द फिंड से भी रेट्रीब्यूशन को पिटवा देगा, वो भी रेट्रीब्यूशन के सब मेंबर पर अटैक कर देते। तो भाई ये पता नहीं कि फिंस मैकमैन का क्या ये हाथ चल रहा है यार, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको आपको क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक के बारे में। गसन अक्टम में जो स्टाइल रिंग में आते हैं उसके साथ जो राउंड ग्राउंड के जो बॉडी गार्ड है जोड़न वो भी रिंग में होते हैं गाइस। तो जो स्टाइल बता रहे थे कि अब भाई मंडी नाइट पर सैथरोलिंस तो है ना जो कि WWE के बिगेस्ट हील ट्रेन थे हील थे, तो अब मैं हील हूँ WWE का। तो गाइस ये सुनकर मैटेरियल को बर्दाश्त नहीं होती और वहाँ तेरह उनके दोनों बीच मैच देखने को मिलता है। तो गाइस मैच की बताऊँ तो मैच में हमारे जो शुरू में जोड़न तो बाहर जा नहीं रिंग नहीं रहे रिंग से, तो रेफरी ने किसी तरह धमका कर रिंग से बाहर निकाल देते। गाइस मैच भी काफ़ी अच्छा चला था इन दोनों के बीच का कमेस्टिक नहीं थी, पहले भी का मैच हो चुका है। तो गाइस MMA टाइप के रेसलर मतलब कि भाई टेक्निकल रेसलिंग काफ़ी अच्छी इन दोनों की। तो गाइस अगर मैं एंडिंग की बात करूँ एंडिंग में क्या होता है कि जो हमारे मेटेरियल है वो बार बार जोड़ने से डर होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन, जैसे हमारे जो स्टाइल उन पर अपना फिनोमिनल फोर आर्मर अपना स्टाइल कैश लगा कर इस मैच में जीत जाते हैं जो कि गाइस काफ़ी अच्छा मैच था, आप इसे जरूर देख सकते हैं। गाइस नेक्स्ट मैच हमें रो वुमेंस चैंपियनशिप के लिए देखने मिलता है जो कि आस्का वर्सेस लाना के बीच चल रहा था यार, इनके आस्का के ओपोनेंट को लाना डाल दिया तो यार मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकता कि भाई लाना इस मैच में जीतेगी। गाइस एक्सपेक्टेड भी था कि भाई आस्का बहुत जल्दी लाना को आगे हरा देगी, पर गाइस ऐसा हुआ भी, लाना ने टक्कर तो काफ़ी अच्छी थी पर ज़्यादा देर तक वो आस्का सामने टिक नहीं पाई। आस्का अपने भाई जी बड़े बड़े मूव वो लगाते हैं और गाइस अपना जो लास्ट फिनिशर लगा इस मैच जीत जाते हैं और गाइस हमारे स्टिल अभी भी रो वुमेंस चैंपियन आस्का ही है। गाइस के बाद हमें बहुत कमाल का सेगमेंट देखने मिलता है जो कि अलाइस होस्ट करते हैं। गाइस इस सेगमेंट में पता है कि हमारे जो अलाइस तो बता रहे होते हैं कि नेक्स्ट उनकी एल्बम रिलीज होने वाली जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर होगी। गाइस पर आपको पता है लास्ट के किस्म में क्या लिखा होता है, जब वो गाना गा रहे होते हैं तो उनको कोई इंटरप्ट करने जाता है। तो गाइस इस बार भी ऐसा ही हो जो अलाइस के जो तीन चार बंदे होते हैं पीछे खड़े उनमें से एक जैफ आड़ी उन पर अटैक कर देते हैं और गाइस अलाइस जो पिटते चैलेंज कर देते हैं WWE हेल इन सेल PPV के लिए और कहते हैं कि जेफ हार्डी से भाई मुझे तुम्हारे दोनों बीच मैच चाहिए। तो गाइस मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए, मतलब हेल इन सेल में दोनों सुपरस्टार केमिस्ट्री काफ़ी अच्छे, तो गाइस मैच तो काफ़ी अच्छा होना ही, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे। गाइस नेक्स्ट हमें एक बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिला जिसमें भाई जो टक्कर और इसके टैग टीम पार्टनर बता रहे थे कि वहाँ जॉन मॉरिसन ने मिच से बदल लेने के लिए एक टैग टीम पार्टनर ढूंढ लेने के लिए लाने वाले हैं। तो गाइस वो बाद में ओटिस से होते हैं, तो गाइस दोनों ओटिस एंड टक्कर वैसे जॉन मॉरिसन ने मिच के बीच भी काफ़ी क्लासिक मैच देखने को मिलता है जो कि गाइस काफ़ी अच्छा मैच था भाई, टाइम काफ़ी अच्छा मैच ने दोनों सुपरस्टार की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, मतलब चार सुपरस्टार भाई काफ़ी अच्छे टैग टीम मूव्स देखने को मिले। पर गाइस इस मैच में क्या होता है कि आसानी से भाई जो ओटिस से अपने जॉन मॉरिसन ने कैटेबल फिनिशर लगा देते और गाइस मैच में जीत जाते हैं। पर गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ओटिस को ड्राफ्ट तो सेमीग्राउंड में कर दिया गया है, तो यार मंडी वो से ओटिस से टक्कर तीनों बंदों को फिर से रो में क्यों दिखा रहे, तो गाइस इट डोंट मेक सेंस यार। तो गाइस पता नहीं WWE करना क्या चाहती है यार, मंडी नाइट के एपिसोड क्या कबाड़ का रखा है भाई। में बहुत कुछ कमाल का सेगमेंट देखने मिलता है कि फायरफ्लाई ना उस फन है उसका सेगमेंट पता कितना कमाल का होता है। इस मैच इस सेगमेंट में क्या होता है कि मैं जो दफिन होस्ट करते हैं अपने पपिट से बात करते हैं, इसके भाई उनके दरवाजे नोक होते हैं, दरवाजे खोलने पर एलेक्स भी जाते हैं, एलेक्स भाई जो
स्ट्रैप लगा लेकिन डोल दिखाई जा रही थी, सिमिलर वैसे ही कपड़े पहने के वैसे ही बाल बाल कर रखे थे। तो गाइस दोनों पता चल गया कि भाई अब फिंड के साथ साथ एलेक्सा ब्लिस भी फायरफ्लाई फन हाउस पर आने वाली थी। गाइस बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ें WWE के प्रोजेक्ट के लिए। तो गाइस ये कुछ सेगमेंट था, इसमें मैं कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ दोनों के बीच स्टोरी लाइन देखने के लिए। गाइस ना कुछ एलेक्सा ब्लिस जो फिंड के साथ हो रहा है, मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छे फ्यूचर में बहुत अच्छे प्लान्स है WWE के इन दोनों के लिए। होगा कि नेक्स्ट हमें मोस्ट वर्सेस मोस्टर मैच देखो, मुझे मोस्ट बाइस लेके आएंगे कीथ वर्सेस ब्रोस्टर, मैंने दो मोस्टर बाइस जो मंडे नाइट ऊपर होंगे बीच मैच देखो मिले, जो कि काफ़ी अच्छे मैच था भाई, काफ़ी अच्छे खतरनाक मूव्स का यूज किया, पावर स्लैम पावर वो मतलब कि स्प्लिट बॉम, काफ़ी काफ़ी अच्छे मूव्स देखने मिले। पर इस मैच की एंडिंग किस तरह से होती है भाई, जो हमारे ब्रोस्टर में जो कि हिल और कीथ लिमर फेस है, ब्रोस्टर में अपना जो हिल मूव है जो अपना लो ब्लो लगा देते हैं, जिससे भाई कीथ लिमर अपने जो पूरे धराशायी हो जाते हैं, इसके भाई ब्रोस्टर में को एडवांटेज तो मिलनी थी, ब्रोस्टर में आसानी से पिंक कर देते हैं कीथ लिमर को। पर गाइस इतने नहीं, इसके बाद जो कीथली है कीथली भी मैच के एंडिंग के बाद अटैक कर देते हैं। पर गाइस इसके बाद ना ये कुछ ऐसी बकवास थी, इसके बाद भाई हमें जो कमाल का मैच देखो मिला, जो कमाल का तो मैच ही नहीं कहूँगा, पर सेगमेंट था जो कि रेंटरिंग माता एंड उठने की जो है एलिंग सेल स्ट्रक्चर वो पूरा नीचे उतार दिया जाता है भाई, वो अब पता चल गया एलिंग सेल का स्ट्रक्चर फिर से लाल होने वाला है। इस पर इसमें इस डेंट बता रहे होते हैं कि भाई दिमाग टार को चैलेंज दे रहे होते हैं कि मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, तो एलिंग सेल बहुत डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर है मेरे लिए, मैंने बहुत काफ़ी एलिंग सेल मैच लड़े हैं। तो गाइस बता रहे लेजेंडरी मैच उन्होंने दिए, तो गाइस इसके ऐसे को डिमांग आते होते हैं आ रहे होते हैं और एलिंग सेल के अंदर घुस तो नहीं पाते, एलिंग सेल बंद होता है गाइस, फिर रैंडम चिड़ा रहे होते हैं डिमेंगटर को, इसको भाई डिमेंगटर गुस्सा आ जाते हैं, वो अपने किसी से कटर निकालते हैं, कटर से वो एलिंग सेल तोड़ने की कोशिश करते हैं। पर गाइस इसके बाद क्या होता है, सोचो सोचो भाई, इसके बाद वो फिर चल जाते हैं, जो कि हमें पूरा शो में मतलब मज़ा तो आया ही, पर यही देखने में नहीं मिला भाई क्या था क्या ये WWE के शायद शो टाइम से ज़्यादा चल गया था, तो गाइस यही हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको शो कितना अच्छा लगा। गाइस मैं भाई काफ़ी मतलब कि कम लास्ट का समय सेगमेंट तो कमा लेता हूँ भाई, जेफ हार्डी का भी अच्छा सेगमेंट था, इसके बाद भाई जो ब्रोस्ट में कीथ ली का ये भी कुछ अच्छा सेगमेंट था, जेफ हार्डी का सॉरी एज स्टाइल का मैच भी काफ़ी अच्छा था। तो ऐसे कुछ मैचेस थे जो काफ़ी अच्छे थे, मतलब शो के लिए काफ़ी हाई बना रहे थे। तो वहाँ मुझे कमेंट करते हैं आप किस शो को कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे, और गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। गाइस मैं शो को 10 में से 7.5 स्टार देने जाऊंगा, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप कितने स्टार देने जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।